गाइस सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामना। हमारी तरफ से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी है कि साल में नवरात्रि कितनी बार आते हैं, आप बोल दो कमेंट में लिख के बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। मम्मी जी और मैं सुबह सुबह उठ चले हैं, आइए इधर आइए आइए। सुबह सुबह मेरे से पंगे लेती रहेंगी, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, हम लोग काफी चीजों पे हमारा मत एक नहीं होता है, तो लड़ाई हो जाती है हमारी सुबह सुबह की, ये काम ऐसे होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू आर वॉचिंग प्रियांक आर्य, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक व्लॉग्स में बने रहने के लिए। दिक्षिक दिक्षिक। हमारी एक फैमिली ऐसी है जिसमें सब बराबर ट्रीट किए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी माँ बड़ी है तो मेरी माँ को हम डांट नहीं सकते हैं, या हम छोटे हैं तो मेरी माँ हमको बहुत ज्यादा ऐसे प्यार से ट्रीट करेगी, नहीं, सब बराबर, सबकी धज्जियां उड़ा दो। तो अभी जो है मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत प्यारी सी एक वो बना रही है टी, तो वो पियेंगे अभी। मुस्कुराहट ने एकदम चेहरे को घेर लिया है, बहुत ही सुंदर मेरी माँ नजर आ रही है। मम्मी जी, मम्मी जी, I love you। चाय यहाँ बन रही है थोड़ी सी, हम लोग आज मम्मी पापा मैं सब बैठ कर बाहर अपने आंगन में चाय वाय पियेंगे, थोड़ा चिल करेंगे। पर कभी कभार काम को लेके पंगे हो जाते हैं कि तुम झाड़ू ऐसे क्यों नहीं मार सकती थी भाई, जब तुम साफ भी मार सकती थी। मेरी मम्मी का झाड़ू ऐसा है, पर ये भी है कि मेरी माँ से बेहतर खाना कोई दुनिया में नहीं बना सकता, पर झाड़ू ऐसे मारती है। पर ये भी है कि इसके जैसा दिल भी किसी का नहीं है, पर झाड़ू ऐसे मार देती है। बहरहाल दोस्तों, हमारे झाड़ू पे पंगे हो गए सुबह सुबह गाइस, मम्मी और बेटे का, और दोनों एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि तू नहीं समझ, तू दांत देख रहे आप है? चाय पलट रही हैं, पर भाई सुबह सुबह तैयार एकदम कड़क, कुछ नहीं कह सकते मम्मी को आप, तो फिलहाल चाय पीते हैं यार, क्यों है माँ? गुस्से में मैं कुछ नहीं देखती, बड़ा है कि छोटा है बेटा, चटके में मार सकती हूँ। शादी हो गई अब मेरी, ठीक है ना? कोई बात नहीं, शादी हो गई, बच्चे तो बच्चे ही हैं। आजा चाय पिए, मम्मी रस भी लिया ना, रस बड़ा थोड़ी हो गया। आई लव यू माँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। ये बाहर कौन बैठा है? पापा अंदर ही आ जाओ, अंदर ही बैठेंगे। क्या बोला? मम्मी कह रही मेरा सोना कितना अच्छा लग रहा है। देख रहे हो, कोई कोई बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है यहाँ पर, मेरे सामने ऐसी बातें हो रही हैं अपने पति के साथ, मेरे सामने रोमांटिक बातें हो रही हैं यहाँ। यही है, हैं जी? ब्रेकफास्ट यही है। सीरियसली पापा आ जाओ, चने का साग बनाए, चने का साग दिन के लिए, क्या बनाना है? ये है इस घर की पावर, भूख, सुबह से डिसाइड हो जाता है कि दिन में क्या बनाएंगे। मम्मी हम लोग कुछ भूखे हो गए हैं क्या? खाने पे तुले रहते हैं हमेशा, हमेशा खाने की बातें होती हैं। नाश्ता होता रहता है, दिन के खाने की दिन के खाने की बात हो जाती है, शाम सूरज ढलते टाइम पिताजी कुछ ना कुछ सब्जी में है। बदबू आ रही है, पता नहीं क्या है। पापा शाम को चाकू लेके बैठ जाते हैं, कुछ भी मतलब करना है कि शाम का खाना जो है वो तो भयंकर होना चाहिए कुछ। तो मैं नहा धो गया हूँ गाइस, मेरी सुंदर माता जी ने आज बनाई है कड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट, भयंकर लग रही है एकदम। इसमें पकौड़ी के रूप में प्याज का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पकौड़ी नहीं है। अरे मुस्कुराहट इस चेहरे पर, अरे पकौड़ी के रूप में, पकौड़ी के रूप में इसमें प्याज का इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल कोई बात नहीं, चला लेंगे इससे, इसमें क्या है। मम्मी जी जो है खीरा काट रही और साथ में यहाँ कड़ी है, इसका सेवन करेंगे। ये थालियां जो है ये पापा की है, ये मम्मी की है, मेरी नहीं। कड़ी बनी है तो मैं थाली में तो खाऊंगा नहीं। क्या कह रही है? बहू रानी की कमी खा रही है। क्यों? काफी कुछ हेल्प मिल जाती थी, बहुत ही तो अभी पकौड़ी भी मिलती खाने को। तेरे क्या हुआ? अब कुछ नहीं है बेटा, वहाँ
स्कूल से आई और सीधा वो एक डब्बी आइसक्रीम रखी हुई थी फ्रीजर में, उसने निकाली और चट कर गई चुपके से। उसको पता था मैं देखूंगा तो थप्पड़ थप्पड़ पड़ जाएंगे इसके। भाई इसका शुगर इंटेक बहुत भयंकर है, मुझसे भी ज्यादा भयंकर। क्या उसके बाद बाहर गई नल में धोया वो साफ करके। क्या धोया? वो आइसक्रीम की डिब्बी पानी भरा रही चिड़ियों के लिए रख दिया मम्मी मैंने। हैं तो भी तो ये भी तो चिड़िया है। ये ले इसका शुगर इंटेक मुझसे ज्यादा भयंकर है। एक दिन में 3-3 आइसक्रीम खा जाती भाई ये। तो वो जिस डब्बी में उसने आइसक्रीम खाई वो धो धा के उसने चिड़ियाओं के लिए रख दिया बाहर पानी। आजकल ऐसी स्थिति भी है, बहुत गर्मी बाहर बढ़ने वाली है। मेरे ऊपर मत डालना, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना माँ, मेरी प्यारी माँ। पीछे से पूरा शिवजी लगती है। ये कह रही है ये है मेरा आउटफिट। आउटफिट ट्यूशन में थप्पड़ खाने पड़ते हैं आपको? बेटा आप डिजर्व भी करते हो, आपकी शक्ल देख के लगता है कि थप्पड़ जरूरी है। अच्छा अच्छा मारेगी मम्मी, इसने मुझे मारा बहुत जोर से, सच में मार दिया भाई गाल पे। तू भी मार देता है। और गाइस तुम भी बताओ मैं क्या करूं। गाइस आ जाओ भैया इधर आ जाओ भैया। अबे कौन खाता है सॉस? बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत ही कमाल बना हुआ है, बहुत ही कमाल। ये प्याज भी पूरा पूरा जस्टिस कर रहे हैं भाई। आहा यार ये क्या है ये? सुन हम दोनों तो फेमस हो जाएंगे, ये भूखे साले दोनों के दोनों। कल व्रत है आज खा लो कह रहा, कल व्रत है आज खा लो। हम लोग थोड़ा गोलगप्पे खाने हैं, घर के लिए भी पैक कराए हैं फिलहाल। मीनू 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 तो खा नहीं रही है बाहर का, आइए। मैं तो इसलिए खा रहा हूँ कि कल व्रत है। चीयर्स मीनू। ये चीयर्स का चीयर्स। चलो भाई थैंक यू, हो गई मनोकामना पूरी। अरे असल में मैं पैक कराने आया था ना घर के लिए, ऐसा इतना बुरा आदमी नहीं हूँ मैं। घर के लिए, अपने लिए तो कुछ नहीं है भाई जीवन में। डकार भी आ गई। चल घूम जाएगी। उठा ले जल्दी से। क्या भले अंदर चलो, मम्मी को दो। अरे मम्मी को दो ना। चलो हाँ इतने सारे। हाँ जाओ अंदर चलो। पानी का उसका? उसी के अंदर है। पानी का है? उसी के अंदर है पानी। आप ओ, 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 हाँ तो साइलेंसर है वो। तोड़ना मत उनको। हाँ। आप रो रहे थे ना, पागल नहीं हो रहे थे आप? भाई मैं कैसे खा दूंगी, बड़ा वाला मम्मी को दूंगी। मम्मी को देना। मम्मा! कल को गाइस ऐसा करेंगे कि सुबह सुबह निकलेंगे सिद्धबली मंदिर, क्योंकि कल है मंगलवार। लेट्स गो। ऑफिस जा रहे हैं? स्कूल। गाइस को भी चोट। गाइस ने आपकी चोट देख ली कल। गाइस बोल रहे बहुत अच्छा हुआ। गाइस मार पड़ जाएगी आपको। अबे ओए रिकॉर्ड छुट्टी है तो स्कूल भेजने का मूड है, कोई नहीं होता तो। क्या हुआ? वो आ गई, मैसेज आ गया। रात के उपलक्ष्य में छुट्टी है। हां छुट्टी है, बोल रहा आ गया मैसेज है इसमें। इसको सुबह सुबह उठा के हाथ मुंह धुला के रेडी कर दिया था स्कूल के लिए, और कह रही थी कि एक बार चेक कर लो, मैसेज चेक कर लो, नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं, क्या पता छुट्टी हो। रेडी वेडी हो गए हम स्कूल जाने ही वाले थे कि मैसेज आ गया। चले तोशी आओ, वो स्कूल की छुट्टी हो गई इसकी, बहुत मजे आ गए इसके। हाँ ये सब साथ में। धन्यवाद।
देखो ये सब आ रखे मीन मीनू बोल रहा हूँ, याद तो नहीं आ रही मुझे उसकी। आज हम चार जन हैं, वैसे तो गोलू और मैं ही आते हैं, पर आज हम शाम को नहीं, आज हम सुबह आ गए, पॉसिबली हम शाम को नहीं आ पाएंगे। इसकी बुहारी लिया हो जाए जल्दी से गोलू की, जो घर में कलेश करे जो घर में कलेश करे वाले अच्छे खासे घर के नरक मचा दे। मम्मी कह रही गोलू की भी मनोकामना पूरी करना भगवान। मैंने कहा इसकी जल्दी बहू आ जाए, कह रहा जो घर में कलेश करे। ऐसा मत मांग क्या सुबह बोल, मैंने कहा सुबह बोल भाई। जीवन में ना लड़कियों को लेते हुए इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी मेरे अंदर। यार गोलू यार चलो चले आ जाओ। Two cars. दो ये कार का कहा देखवा इसका भाई। थ्री डॉग्स में क्या लिखा इसने? थ्री डॉग्स तीन कुत्तों फाइव आइसक्रीम पांच आइसक्रीम आइसक्रीम गल गई मुझे लग रहा। क्यों भड़क रहा है क्या? पंखा चला देना यार। मैं हूँ बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, मुझे गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं है, लो मेंटेनेंस आदमी, बिना पंखे के रहता हूँ गर्मियों में। ओ वन की स्पेलिंग सुनाइयो। ओ एवन। ओ एनीवन। टू की सुनाओ। टी एम ओ यू। थ्री की सुनाओ। टी एच आर डबल ई थ्री। टी एच आर डबल ई थ्री। फोर की सुनाओ। एफ ओ यू आर फोर। फाइव की सुनाओ। एफ आई एम एम फाइव। क्या? एफ आई आई वी ई ये जो दोनों लोग यहाँ सामने तैयार बैठे हुए, ये तीनों क्या तू थोड़ी तैयार बैठी है? सभी लोग जा रहे हैं आज कीर्तन में। किस उपलक्ष्य में कीर्तन है आज? नवरात्रि शुरू हो गए इसलिए ये साड़ियाँ। आपका ड्रेस कोड है क्या? सबके पास सेम है ये? अरे क्या बात है। हाँ आंटी जी हमारी पड़ोसी हैं, बिल्कुल सामने ही रहती हैं, और मम्मी और आंटी ये जा रहे हैं नवरात्रे के लिए एक कीर्तन। सब गाइस सब लोगों को नवरात्रे की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। हमारी तरफ से आप लोगों को एक क्वेश्चन भी है कि साल में नवरात्रे कितनी बार आते हैं? आप बोल दो, कॉमेंट में लिख के बताओ। कॉमेंट में लिख के बताओ। सही बोला सही बोला सही बोला। ठीक है ठीक है चलिए। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यार तो बोल बीच। हरी रेल लाल रेल बोलो। तू बोले बीच। हरी रेल लाल रेल। आंटी बोलेगी। अरे मैंने और मैं बोलूँ बोलूँ हरी रेल हरी रेल। नवरात्रे आप सबको भी शुभकामनाएं नवरात्रे की और मंगलवार की भी। अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं, गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज व्लॉग आ रहे हैं।